प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आजादी का 75वां वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में जन भागीदारी के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रकार के निर्णय लिए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान उत्पादक संगठन, कृषि अवसंरचना कोष, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग जैसी अनेक योजनाएं और आर्थिक सुविधाएं शामिल हैं। बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए हैं। अन्नदाता को सशक्त बनाने तथा उनकी बुनियादी जरूरतों को समझते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की, जिसके तहत प्रत्येक किसान को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए 3 समान किश्त में, यानी प्रत्येक 4 माह पर 2,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आरंभ से अब तक 11,30,00,000 से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में सीधे 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि विभिन्न किश्तों के माध्यम से हस्तांतरित कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाने तथा उनकी फसल का उचित दाम दिलाने के उद्देश्य से 1,00,00,000 करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना कोष की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर सरकारी गारंटी एवं ब्याज में 3% की छूट का प्रावधान है। किसान भाई बहन, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां एवं स्वयं सहायता समूह एवं कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठाते हुए प्राथमिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट, भंडारण, सेलोज, छटनी ग्रेडिंग इकाइयों का निर्माण कर सकते हैं। ऐसी ही अनेक योजनाओं से किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक जोखिमों की स्थिति में किसानों को उनकी फसल का सस्ता बीमा प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक मजबूती और बाजार से जुड़ाव के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs का गठन किया जा रहा है। ई नाम के माध्यम से किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल के लिए सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से जल संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से फसल संरक्षण तथा फसलों पर पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए मौजूदा कस्टम हायरिंग सेंटर्स द्वारा ड्रोन तथा संबंधित सामानों पर मूल लागत का 40% या 4,00,000 रुपए जो भी कम हो वित्तीय सहायता का प्रावधान है। किसान भाई बहन अब नई टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर उन्नत खेती कर सकते हैं। सभी कृषि योजनाओं और सेवाओं को डिजिटल रूप से प्रयोग करने के लिए किसान सुविधा ऐप तैयार किया गया है तथा ये सुविधा ऐप देश की विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। अन्नदाताओं के परिश्रम का सम्मान करते हुए इस आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 के दौरान किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान को एक जन उत्सव के रूप में मना रहा है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान।